तकी हाल चाल दोस्तों, आज आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा सेमीफाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया, जहां दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस नॉकआउट मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। साउथ अफ्रीका की शुरुआत बेहद ही खराब रही, जहाँ पहले ही ओवर में मिचेल स्टार्क ने टेम्बा बबुआ को शून्य पर आउट कर दिया। वहीं 6वें ओवर में जॉश हेजलवुड ने इनफॉर्म बैट्समैन क्विंटन डिकॉक को 3 रनों पर पवेलियन भेज दिया, जहां साउथ अफ्रीका का स्कोर था 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। साउथ अफ्रीका का तीसरा विकेट 22 रनों पर गिरा, जहां मिचेल स्टार्क ने एडियन मक्रम को 10 रनों पर। वहीं जब साउथ अफ्रीका का स्कोर 24 रन था, तब जॉश हेजलवुड ने वेंडर डुसेन को 6 रनों पर पवेलियन भेज दिया। साउथ अफ्रीका का स्कोर 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर्स के बाद। जल्दी 4 विकेट गिरने के बाद हेनरिच क्लासन और डेविड मिलर ने साउथ अफ्रीकन इनिंग्स को संभाला, जहां दोनों प्लेयर्स के बीच शानदार 95 रनों की पार्टनरशिप हुई 120 गेंदों में। जब साउथ अफ्रीका का स्कोर 119 रन था, तब ट्रेविस हेड ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लिए, जहां पहले हेनरिच क्लासन को 47 रनों पर बोल्ड कर दिया। वहीं फिर मार्को यानसन को पहली ही बॉल पर LBW आउट कर दिया। साउथ अफ्रीका का स्कोर 119 रन 6 विकेट के नुकसान पर 31 ओवर्स के बाद। अब डेविड मिलर का साथ देने आए गेराल्ड कॉट्जे, जहां इसी बीच डेविड मिलर ने अपनी शानदार हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। जहां डेविड मिलर और गेराल्ड कॉट्जे के बीच इम्पोर्टेंट 53 रनों की पार्टनरशिप हुई, वो भी 78 गेंदों में। जब साउथ अफ्रीका का स्कोर 172 रन था, तब गेराल्ड कॉट्जे 19 रन बनाकर आउट हो गए। जब साउथ अफ्रीका का स्कोर 191 रन था, तब केशव महाराज 4 रनों पर पवेलियन लौट गए। वहीं दूसरी तरफ से डेविड मिलर ने अपनी शानदार सेंचुरी पूरी कर ली। जब साउथ अफ्रीका का स्कोर 203 रन था, तब डेविड मिलर 101 रनों पर। वहीं जब साउथ अफ्रीका का स्कोर 212 रन था, तब रबाड़ा 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 212 रनों पर ऑल आउट हो गई। अगर साउथ अफ्रीका के स्कोरबोर्ड की बात करें तो क्विंटन डिकॉक ने 3 रन, बबुआ ने 0 रन, वेंडर डुसेन ने 6 रन, मक्रम ने 10 रन, क्लासन ने 47 रन, डेविड मिलर ने शानदार 101 रन, मार्को यानसन ने 0 रन, गेराल्ड कॉट्जे ने 19 रन, केशव महाराज ने 4 रन, रबाड़ा ने 10 रन, वहीं शमशी ने बनाए 1 रन। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने 3-3 विकेट, वहीं जॉश हेजलवुड और ट्रेविस हेड ने 2-2 विकेट लिए। 213 रनों का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद ही अच्छी रही, जहां पहले 4 ओवर में डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड ने 24 रन बना दिए थे। 5वें और 6वें ओवर से डेविड वार्नर ने 4 सिक्स लगाए, जहां 6 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 60 रन बिना किसी नुकसान के। पर 7वें ओवर में एडिन मक्रम ने डेविड वार्नर को 29 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा विकेट 61 रनों पर गिरा, जहां मिचेल मार्श 0 रन बनाकर आउट हो गए। जहां पहले 10 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 74 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जहां क्रीज पर मौजूद थे ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ।